स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट। बच्चों, वीक है 8, क्लास 3 की मैं यहां बात कर रही हूं। टॉपिक है बच्चों ट्रैवलिंग इन दिल्ली। तो बच्चों, ट्रैवलिंग इन दिल्ली मीन्स दिल्ली में किस तरह से यात्रा करनी है उसके बारे में यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि बच्चों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे वीडियो को अब तक नहीं देख पहली बार देखा है, तो बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए और सभी रेड बटन दबा करके मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियोज़ को देखते रहें। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। बच्चों, यहाँ आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, रिंग रेलवे, टोंगा, इलेक्ट्रिसिटी, पेंटून ब्रिज, एलिफेंट, ब्लैक कार्ड। तो बच्चों, इन सभी से आपको ये फिल करने हैं। तो फर्स्ट देखिए, डैश एंड डैश वर यूज टू ट्रैवल इन एंशियंट टाइम। बच्चों, पुराने ज़माने में किसका यूज़ किया जाता था? तो बच्चों, पुराने ज़माने में टोंगा एंड ब्लैक कार्ड का यूज़ किया जाता था। ब्लैक कार्ड बच्चों बैलगाड़ी एंड टोंगा बच्चों घोड़ा गाड़ी, इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन द ओल्डन टाइम्स रिच पीपल यूज टू राइड ऑन। बच्चों, पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो किसका यूज़ करते थे राइड के लिए? तो वो यूज़ करते थे एलिफेंट का, हाथी का वो यूज़ करते थे। डैश ट्रेवल्स इन अ सर्किल अराउंड इन दिल्ली। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है डैश ट्रेवल्स इन अ सर्किल। बच्चों, सर्किल में कौन घूमता है पूरे दिल्ली में? तो बच्चों यहाँ लिखेंगे रिंग रेलवे ट्रेवल्स इन अ सर्किल। सर्किल में बच्चों देखिए, रिंग रेलवे जो है वो सर्किल में घूमती है पूरे दिल्ली में। द मेट्रो ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से मेट्रो ट्रेन हमारी चलती है। द नेम ऑफ अ ब्रिज ऑन द यमुना रिवर इज़। बच्चों, यमुना रिवर पे जो ब्रिज है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पेंटून ब्रिज। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। राइट द नेम ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच यू हैव ट्रेवल्ड। बच्चों, ऐसे कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिस पे आप ट्रैवल करे हो? लाइक बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, ठीक है बच्चों, जिस पे भी आपने ट्रैवल किया है आप सभी उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। राइट द नेम ऑफ एनी टू स्टेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो। बच्चों, दिल्ली मेट्रो के किसी भी टू स्टेशन के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोहन स्टेट रेलवे सॉरी मेट्रो स्टेशन एंड सेकेंड वन इज़ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में अच्छे से? नेक्स्ट देखिए बच्चों, राइट एनी टू बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेज ऑन रोड। बच्चों, रोड पे अगर हम ब्रिज बनाएंगे तो उससे क्या होगा? तो देखिए बच्चों, आर टाइम विल बी सेव, ओके, एंड सेकंड इजी टू गो हेयर एंड देयर। बच्चों, आने जाने में हमें परेशानी भी नहीं होगी, ईजीली हम आएंगे जाएंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मार्क एज राइट और रॉन्ग। इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस ऑन फुट। बच्चों, पुराने ज़माने में लोग अपने पैरों से ही इधर उधर चले जाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज़ ट्रू। पेंटून ब्रिज इज़ क्लोज फॉर ट्रैफिक ड्यूरिंग रेनी डेज। बच्चों, जो हमारा पेंटून ब्रिज है उसको रेनी सीजन में बंद कर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। द मेट्रो रेल डज नॉट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ रॉन्ग। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पे ही हमारी जो मेट्रो रेल है वो चलती है। मेट्रो रेल ऑल्सो रन्स ऑन द ब्रिज बिल्ट अबव द लैंड। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। बच्चों, हमारी मेट्रो ट्रेन जो है बच्चों, जो हमारे ब्रिज बने हैं लैंड से ऊपर, उस पर भी चलती है। पेंटून ब्रिज इज मेड ऑफ कंक्रीट। दिस इज़ रॉन्ग।
हमारा पेंटून ब्रिज कंक्रीट से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर नॉट यूज्ड इन एंशियंट टाइम। बच्चों पुराने ज़माने में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किए जाते थे, सॉरी वर नॉट यूज्ड, वर नॉट यूज्ड। तो बच्चों पुराने ज़माने में देखिए हमारा इसका यूज़ किया जाता था, हॉर्स का भी यूज़ किया जाता था। बच्चों मेट्रो का हमारा यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है, और बस का भी यूज़ नहीं किया जाता था। तो हमारा आंसर होगा सी एंड डी, इनका यूज़ नहीं किया जाता था एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी बाय विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड यू लाइक टू गो। बच्चों अगर आपको चांस मिलता है किसी लॉन्ग जर्नी पे जाने के लिए तो आप किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, ड्रॉ दैट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर चॉइस। तो बच्चों आपको अपनी चॉइस का यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाना है। लाइक मैं एरोप्लेन से जाना पसंद करूँगी, तो बच्चों आप सभी इसका नेम भी यहाँ लिखेंगे और एरोप्लेन का पिक्चर भी यहाँ पे बनाएंगे। लाइफ स्किल बेसिक कुकिंग स्किल्स मेक अ लेमोनेज अंडर द सुपरविजन ऑफ द एल्डर्स ऑफ योर हाउस। बच्चों आपको शिकंजी बनानी है, नींबू की शिकंजी अपने एल्डर्स की हेल्प से, ठीक है। राइट द थिंग्स यूज टू प्रिपेयर द लेमोनेज। तो बच्चों शिकंजी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, बच्चों हमें चाहिए होगा लेमन, शुगर, वाटर, आइस एंड बच्चों पिंच ऑफ सॉल्ट, एक पिंच चाहिए, चुटकी भर सॉल्ट चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, ठीक है। बच्चों अब किस तरह से बनानी है, तो आप सभी बच्चों इसे बनाएंगे अपने एल्डर्स की हेल्प से। नेक्स्ट इज बच्चों संस्कार शाला। वी आर एडिक्टेड टू आवर थॉट्स, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग इफ़ वी कैन नॉट चेंज आवर थिंकिंग। बच्चों देखिए हमें यहाँ बोला गया है कि हम बहुत सारी चीज़ों के एडिक्टेड होते हैं, मतलब आदि हो जाते हैं, तो हम हमारी सोच के आदि हो चुके हैं। वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, बच्चों हम किसी को नहीं बदल सकते अगर हम हमारी थिंक को नहीं बदल सकते, ये बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों जब तक हम हमारी सोच को नहीं बदलेंगे हम किसी भी चीज़ को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं हम हमारा। फूड कलर येलो, ईट येलो कलर फूड फॉर एग्जांपल बनाना, मैंगो, येलो पल्सेस एक्सेट्रा। टाइम विद फैमिली स्पोर्ट्स टिक टैक टो बर्ड फ्लाई प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक्टिविटी वाटरिंग द प्लांट्स। डेली रूटीन इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपना वर्कशीट कंप्लीट करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ बच्चों आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है बच्चों। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल ज़रूर आप सभी रेड बटन दबा करके मेरे चैनल जारेना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।